नमस्ते जी, मेरा नाम शिव कुमार, इंस्पेक्टर मोगलपुरा। एक फर्स्ट तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था अपना एरिया पे, कवेली कमान सुल्तानशाह एरिया पे, अपना मोगलपुरा एरिया पे एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें ये अब्दुल अफसर सन ऑफ अब्दुल रहीम बोल के एक उन लोगों का घर है वहाँ पे, वही घर पे एक घर के सामने एक बच्चा रहता था, उन लोगों का दूर का रिश्तेदार है। वो बच्चा भी रेगुलरली वो घर पे आके खेल के और घरों वालों से भी मिल के रहता रहता। उसी दिन 1/8/2020 के दिन 11:30 to 12:00 वो बच्चा सेम रेगुलरली वैसा आके वहाँ पे वरांडा पे खेल रहे। उसी टाइम पे ये जो अब्दुल अफसर बोल के हैं, इसके पास एक बैरल लॉन्ग बैरल वेपन है, वेपन बोले तो अपना एयर पिस्टल का रहता। उससे उन्हें क्या वाल के ऊपर जो लिजर्ड है वो लिजर्ड को फायर करा, उसके ऊपर फायर करा। वो जो फायर होने के बाद वो पिलेट जो रहता वो वाल को टच करने के बाद रिटर्न आके एक वरांडा में जो खेल रहा बच्चा, वो बच्चा को बैक साइड हिट हुआ था, इसलिए उसको थोड़ा ब्लड इंजरी आया था और उन भी आया था। इसके बाद उन लोकल क्लिनिक पे ट्रीटमेंट लगाने के बाद उनको बंजारे उसको विरेपल को सेंड करा। वहाँ से फिर अपना 3 तारीख को अपना बहादुरपुरा में जो है अपना ग्रेस हॉस्पिटल पे रह के आज बच्चा भी डिस्चार्ज हो गया, उसका कंडीशन भी अभी ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन लोगों का पापा से सैयद मोहसिन बोल के हैं, उससे कंप्लेंट लेके एक FIR दर्ज करा हुआ। सर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा मिली है? आज सुबह वही डिस्चार्ज के टाइम पे कोई बाहर से इतना ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि फायरिंग हुआ बोल के एरिया पे आया था। वो इन्फॉर्मेशन पे अपन भी वेरीफाई करे तो आज नहीं, इससे पहले वो जो वरंडा वो घर पे था ना, उसका रिश्तेदारों में है, इसलिए उन लोग ये इशू को बाहर नहीं आने दिया। सर, हॉस्पिटल में क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करें जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया? ट्रीटमेंट के लिए वही करेक्ट है, मगर उसमें इन लोगों का जाके ऐसा फायरिंग से हुआ बोल के कुछ भी नहीं बताया। इन लोगों का भी जस्ट कुछ लगाया, वो चोट लगा हुआ निकाल दो बोले तो वेरीफाई नहीं कर सकते कैसा चोट लगा, क्या है, वेरीफाई करे तो उन लोग केस करेंगे क्या? लोग नहीं दिए इन्फॉर्मेशन पुलिस को बोले तो उनमें इसमें ऐसा FIR फायरिंग हुआ नहीं तो ऐसा अटेम्प्ट हुआ क्रिमिनल केसेस इंडक्शन तो है तो 100% वो काम करते थे, मगर इन लोग चोट लगा बोले तो उन लोग भी ट्रीटमेंट करा, उसके बारे में भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। अभी तो नहीं वेरीफाई कर रहा, अभी एक्यूज नहीं, अपना टीम ऑलरेडी उसके बारे में तो 2 टीम चल रहा है, शायद होता 1-2 घंटे में अपना जो है जादूगर है, कुछ लोगों का ऐसा ड्रग एडिक्ट का बिजनेस है और प्राइवेट फाइनेंस है जो एक्यूज है, वेरीफाई करता हूँ वो पूरा इन्फॉर्मेशन अगर अपना, उसके बारे में तो अभी तो नहीं मालूम मेरे को, पक्का ज़रूर अगर उसके पास लाइसेंस है कि नहीं उसके बारे में भी हम लोग वो करेंगे। अभी कंप्लेंट ले लिया और FIR दर्ज। कंप्लेंट लेट देने की वजह क्या है सर? वजह बोले तो उन लोगों का सेम रिश्तेदारों में है ना, इसलिए उन लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी लगा दिया बोल के उन लोगों को। ये केस में अगर बच्चे के जान पे कुछ होता था तो जब कंप्लेंट देते थे क्या कि वही उन लोगों के रिलेशन से भी हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसा इन्फॉर्मेशन देना बोले तो ऑलरेडी अपना रिश्तेदारों में हाजिर बोल के उन लोग भी थोड़ा देने के लिए थोड़ा मना कर रहे हैं, तो FIR हुआ दर्ज हुआ। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी, बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव्ड और ISO सर्टिफाइड, 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफा याब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए अलायदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना, हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड, बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल, थिंक सेल वर्ल्ड, अपोजिट चार मीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।